तो आज की हमारी पैथन क्लास में हम बात करने जा रहे हैं इफ कंट्रोल स्टेटमेंट। हमने कल इसके ऊपर मैंने आपको थोड़ी सी ओवरव्यू दी थी, लेकिन आज हम इसके ऊपर डिटेल्स में समझाएंगे कि इफ का यूज होता क्या है। क्योंकि जैसे कि मैंने कल बताया था कि बगैर इफ का आप जो है ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो इफ जो है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और सिर्फ एक्स हम बात इसकी नहीं कर रहे हैं, पैथन की बात नहीं कर रहे हैं। आप जावा यूज कर ले, आप सी यूज कर ले, आप सी प्लस प्लस यूज कर ले, आप वीवीए यूज कर ले, दोनों केसेस में आपको जो है इफ का यूज होना चाहिए। आप एटलीस्ट एक्सेल में, एक्सेल अगर यूज करते हैं तो वहां भी आपको इफ का यूज होता है। तो आज हम इसी चीजें बात करेंगे। तो चलिए हम वीएस कोड ओपन करते हैं। हमने वीएस कोड को किया ओपन और चलिए एक एक करके समझते हैं। साथ में मैं नोटपैड भी ओपन कर लेता हूं ताकि हम आपको क्लास के बाद कोड भेज सकें, ताकि हम उसकी प्रैक्टिस कर सके। कल मैंने इसके ऊपर नोटपैड एक पीडीएफ भी भेजी थी जो कि आपने शायद देखा होगा। आज हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने एक यहां पे लिखा, एक वेरिएबल लिया और यहां पे हम करते हैं इंट और यहां पे करते हैं एंटर सेल्स। एंटर सेल्स और यहां एंटर सेल्स नहीं, इसके आगे इनपुट लगाना होगा। देखिए मैं यहां पर गलती किया, यहां पे हमें इनपुट ब्रैकेट ओपन, यहां पे हमने ब्रैकेट को क्लोज किया। सॉरी ब्रैकेट तो ऑलरेडी क्लोज है, तो उसकी ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। यहां पे हम कंडीशन देते हैं कि इफ ए इज ग्रेटर देन 50 देन, सॉरी डबल इक्वल नहीं होगा, हाँ ग्रेटर देन 50, तो मैं यहां पे इंसेंटिव देना चाहता हूं। मतलब कि आई इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए मल्टीप्लाई बाय 20। मतलब कि मुझे अगर 50 से ऊपर है तो 20 रुपए के हिसाब से इंसेंटिव देना है। फिर मैं यहां पे एल्स दिया और एल्स में बोला कि आई इक्वल टू 0। फिर मैं इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर रहा हूं बाहर शो करने के लिए कि द आई एन सी इक्वल टू और यहां पे कॉमा हमने आई ले ली। अब मैं इसको यहां पे करता हूं रन। रन करते ही मुझे सेल्स एंटर करने की बोल रहा है, तो मान लीजिए इसके मैं 56 सेल किया तो देखिए 1120 आया। अगर मैं यहां पे मान लीजिए 45 एंटर करता तो इंसेंटिव 0 हो। तो यहां पे मेरे पास क्या था, सिंगल कंडीशंस एंड दो रिजल्ट थे। देखिए एक कंडीशन पे दो रिजल्ट होता है कि कंडीशन फुलफिल हो तो क्या आना चाहिए और कंडीशन फुलफिल ना हो तो क्या रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर कब तब क्या हो, जब आपके पास एक से ज्यादा कंडीशंस, एक से ज्यादा कंडीशन इन द सेंस कि आपके पास कंडीशन कुछ ऐसा हो कि मुझे दो कंडीशन को मैच करना हो, एक से ज्यादा कंडीशन।
जैसे कि हम लोग एंड, इसमें एंड और का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? एंड और का। तो हम इसको यहां से कॉपी कट करते हैं और नोटपैड में डाल देते हैं और सिर्फ इसको रखते हैं। तब यहां भी हुआ कि मुझे 800 की इंसेंटिव देनी है अगर 50 to 80 के बीच में सेल्स हुआ तो। यहां पे कंडीशन हमने बोला ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 और यहां पे हमने दिया एन ए इज लेस देन इक्वल टू 80, हमने यहां पे दे दिया। और फिर यहां पे हम बोला कि आई इक्वल टू 800 और फिर यहां पे एल्स अगर देने का मन है तो आप एल्स दे दीजिए कि एल्स इक्वल टू आई इक्वल टू 0। फिर यहां पे हम प्रिंट के अंदर देते हैं द सेल्स इज कॉमा आई कट। अब मैं यहां पे मैं एक और काम और करता हूं, स्लैश टी करता हूं और यहां से रन करता हूं। तो यहां पे सेल्स मांग रहा है, तो यहां पे सेल्स मान लीजिए मैंने 65 दिया तो देखिए सेल्स 800 आया। अब यहां पे मैं सेल्स जो है मान लीजिए कि 95 दे के एंटर कर रहा हूं। यहां देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, 95 दे रहा हूं। तो 95 देने में आप देख सकते हैं यहां पे सेल्स 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि वह 80 से छोटा है। तो हाँ, तो कंडीशन यहां पे हम दे सकते हैं। तो एंड का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हम एक से ज्यादा कंडीशन का इस्तेमाल होती है। इसमें आगे कई और कंडीशन होगा, हम इसके बारे में अभी आगे की क्लास आगे की चीजों में चर्चा करेंगे, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एंड के बाद एक हमारे पास और होता है, ये और का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, एंड एंड और। और का इस्तेमाल कहाँ होता है? चलिए हम यहां पे करते हैं। सबसे पहले मैं d इक्वल टू हम यहां पे इनपुट इनपुट और इनपुट के अंदर में मैं यहां डालता हूं कि एंटर डेज, ठीक है। अब यहां मैं कंडीशन होगा कि इफ ए इज सैटरडे और ए इक्वल टू संडे, देन प्रिंट, सॉरी यहां पे ए दे दिया, ए तो डिफाइन है नहीं, यहां डी देना था, इससे रेड आ रहा था नीचे, येलो आ रहा था। फिर यहां पे हम देते हैं प्रिंट, प्रिंट में हम लिखेंगे डे इज वीक एंड। फिर यहां हम एल्स देते हैं, एल्स में हम यहां प्रिंट करते हैं कि प्रिंट डे इज वीक डे। अब यहां पे हम स्लैश टी करते हैं और रन करते हैं। रन करने के बाद मैं यहां पे क्या डालता हूं, सटर, यहां सटर सैटरडे एंटर, यहां पे क्या आ गया, वीकेंड्स आ गया। अब यहां पे अगर मान लीजिए कि मैं यहां पे फ्राइडे डालता हूं तो फ्राइडे हमारा कौन सा आ रहा है, वीकडे। फिर अगर हम यहां पे मान लीजिए हम संडे डालते तो क्या आ गया, वीकेंड्स। लेकिन ध्यान रखिएगा पायथन केस सेंसिटिव होता है,
मैंने सैटरडे को कैपिटल लेटर में डाल दिया, तो देखिए यहाँ पे वीक डे दिखा रहा है, वीकेंड नहीं दिखा रहा, मतलब कि कंडीशन को ट्रू नहीं कर रहा है, तो केस सेंसिटिव होता है। आप बोलेंगे सर केस सेंसिटिव से बचने के लिए क्या करें, उससे बचने के लिए और भी उपाय है जो हम उसको अपर में कन्वर्ट कर देंगे, लोअर में कन्वर्ट कर देंगे, इनके चीजें में हम आगे की क्लासेस में इस पे हम डिस्कस करेंगे आपसे। तो यहां पे हम एंड और के बारे में जाने, हम किसके बारे में जाने, एंड और के बारे में। एंड जी हाँ, एंड का यूज क्या होता है चीज में जाने, एंड के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो मैंने एंड बताया, इसे एंड को समझिए। तो एंड में क्या हुआ कि दोनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। हमने जो दो कंडीशन दिए कि ए इज ग्रेटर देन 50 एंड ए इज लेस देन 80, तो दोनों को दोनों कंडीशन होने चाहिए, 50 से बड़ा भी होना चाहिए और 80 से छोटा भी होना चाहिए। तो अगर एंड का इस्तेमाल हम वहां करते हैं जहां पे जो भी हम कंडीशन दे रहे हैं दोनों होना चाहिए, जैसे देव 8 साल का होना चाहिए और तीसरी क्लास में होना चाहिए, एंड तीसरी क्लास में होना चाहिए। तो अगर देव देव जो है 8 साल का है और तीसरी क्लास में है तो कंडीशन फुलफिल है, लेकिन देव जो है 8 साल को तो है लेकिन है नर्सरी में, तो ये कंडीशन फॉल्स है। देव है तो आपको 3 क्लास में लेकिन वो 10 साल का है, तो ये भी कंडीशन फॉल्स है। तो दोनों कंडीशन होने चाहिए। और के केसेस में क्या है, एनीवन, क्योंकि यहां पे सिंपल सी बात है, कोई एक दिन या तो सैटरडे हो सकता है या संडे हो सकता है, दोनों तो हो ही नहीं सकता। तो यहां तो पॉसिबिलिटी है कि हम एक से ज्यादा कंडीशन दे तो कोई एक कंडीशन ही होगा, ऐसी पॉसिबिलिटी है, इसलिए यहां पे हमने और के जगह पे एंड का इस्तेमाल किया। अब चलिए थोड़ा सा हम कॉम्प्लिकेट करते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि मेरे पास सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं इनपुट एन इक्वल टू, हमने लगाया इनपुट, इनपुट के अंदर बोलता हूं एंटर नेम, फिर सब्जेक्ट वन इक्वल टू, और इंट के साथ हम यहां लगाते हैं इनपुट, और इनपुट के अंदर में हम यहां लिखते हैं एंटर सब्जेक्ट वन मार्क्स। अब इसी को हम कॉपी करके नीचे की तरफ लाते हैं, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, 4 सब्जेक्ट ले लिए। यहां पे एक वेरिएबल नहीं होना चाहिए, अलग अलग ना ओवरराइट हो जाएगा। यहां पे 3, यहां पे 4, और यहां पे हो जाएगा आपका सब्जेक्ट 2, यहां पे हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट 3, यहां पे हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट 4। अब स्लैश सब में स्लैश टी कर देता ताकि दूरी बना रहे, स्लैश टी स्लैश टी स्लैश स्लैश टी, और यहां भी हम करते हैं स्लैश टी, ठीक है। अब यहां पे देखना है कि मुझे रिजल्ट देना है। अब चारों सब्जेक्ट में नंबर मैं अगर 40 से ऊपर डालता हूं तो पास होगा, अदरवाइज फेल होगा। तो यहां पे कंडीशन देते हैं कि इफ एस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, फिर एंड एस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, एंड एस थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, एंड एस फोर
इज ग्रेटर देन, यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 40। यहां पे फिर हम यहां देते हैं एंटर। ओ यहां पे हमने एंड नहीं लगाया, तो यहां पे एंड लगा दें। अब यहां पे हम करेंगे आर इक्वल टू पास, और फिर यहां पे एल्स करते हैं, और यहां लिखते हैं आर इक्वल टू फेल, और फिर नीचे मैं प्रिंट देता हूं द रिजल्ट इज इक्वल, और यहां पे दे देते हैं हम आर। चलिए एक बार इसको रन करते हैं। अब यहां पे नेम आया, अच्छा यहां पे नेम भी देना हो तो यहां पे हम कर देते हैं एन कॉम। पूजा मार्क्स 150, 60, 70, 80। अब अब यहां पे इसको एक बार रन करते हैं। नाम देता हूं पूजा, यहां पे लिखा पूजा रिजल्ट इज फेल। फेल क्यों हुआ? क्योंकि मैंने एक यहां पे ला दिया 25। तो इस केस में एंड ही सुटेबल होगा, क्योंकि कंडीशन यही है कि सारे सब्जेक्ट में अगर आप पास करते हैं तभी पास होंगे, अदरवाइज पास होंगे नहीं, फेल होंगे। तो यहां पे हमें एंड ही देना होगा, अगर एंड ना देंगे तो मुश्किल हो जाएगा, तो एंड ही देना। अब इसको मैं कॉपी करके रख लेता हूं किस पे, नोट पैड। अब अगला क्वेश्चन यहां पे आता है, इसी में हम इसी कंडीशन में लगाते हैं कि अगर मान लीजिए कि एक आईडी प्रूफ है, मान लीजिए आपके पास आईडी प्रूफ के तीन ऑप्शंस है, कितने ऑप्शंस है, तीन ऑप्शंस है, तो आपको ये बताना है कि इसने क्या क्या जमा किया है। तो हमने बोला कि पी इक्वल टू, यहां पे इनपुट करना पड़ेगा इनपुट, और यहां पे डू यू सबमिट, नहीं इसमें इंट की जरूरत नहीं क्योंकि हम टेक्स्ट इनपुट लेने वाले हैं, टेक्स्ट इनपुट में इनपुट नहीं, नंबर में करना होगा सर। सबमिट पैन, और इसी कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और यहां पे हम कर देते हैं यू, यहां पे करते हैं यू आई डी मतलब आधार, तो यू कैपिटल हो गया, इसको स्मॉल कर देंगे। हाँ इसके बाद आता है डी एल इक्वल टू ये, और पैन की जगह पे ये करता हूं डी एल। ओके तीन ले लिया। अब इसमें क्या है कि मैंने आईडी प्रूफ मांगा, क्या माना, आईडी प्रूफ मांगा, क्या उसने पेन सबमिट किया, क्या उसने आईडी सबमिट किया, आईडीएल सबमिट किया। अब तीन ऑप्शंस हमने दिए, अब जरूरी नहीं कि तीनों के तीनों जमा कर, आईडी प्रूफ तो कोई एक भी चलेगा, अगर डीएल जमा कर दीजिए या पेन जमा कर दीजिए या वोट आई कार्ड जमा कर दीजिए, तो एक आ गया आईडी प्रूफ आ गया। तो यहां पे हम और का कमांड लगाएंगे, यहां लिखेंगे कि इफ पी इक्वल टू, अब यहां पे सिर्फ वाई ले रहा हूं तो मैंने किया वाई, फिर यहां देंगे और, यहां लिखेंगे यू इक्वल टू एन वाई, वाई टेक्स्ट है इसे इन्वर्टेड कोमा में लेना है, सिंगल लीजिए या डबल लीजिए कोई एक ले सकते हैं। फिर यहां पे लिखते हैं और डी एल इक्वल टू वाई, फिर यहां पे हम समीकरण देके नीचे आते हैं। अब पी क्यों नहीं ले रहा, पी एन करता हूं,
ये लग रहा है रिजर्व वर्ड। ओ सॉरी, उसकी गलती नहीं, गलती है कि हमने डबल इक्वल लिया। क्या किया? डबल इक्वल नहीं किया। असाइनमेंट के लिए हमें डबल इक्वल करना होता है। अब यहां पे हम करते हैं स्टेटस, मतलब एस इक्वल टू ओके, और यहां पे हम एल्स देते हैं, और एल्स के अंदर हम करते हैं एस इक्वल टू पेंडिंग पेंडिंग, और फिर यहां प्रिंट, और प्रिंट में हम देते हैं एस, किसको देते हैं एस। अब यहां पर रन करते हैं, रन करने के बाद अब यहां पे हम देते हैं नाम, यहां पे नाम हो गया पूजा, और इसने पैन वॉक किया ये वाई, इसने डी किया वाई, डीएल किया वाई, तो स्टेटस क्या आया ओके आया। तो यहां पे आपने सीखा कि किस तरीके से हम इफ कंडीशंस के अंदर एंड और का इस्तेमाल करते हैं, एंड और का इस्तेमाल करते हैं। अब अगला टॉपिक जो है वो है हमारा नेस्टेड इफ, मतलब एक इफ के ऊपर क्या। हाँ एल्स पार्ट हुआ ना, अगर मान लीजिए किसी में अगर नो किया तो यहां पेंडिंग शो करेगा, सब में अगर नो किया तो क्या होगा पेंडिंग शो करेगा। अब जैसे चलिए एक बार और इसको रन करके मैं आपको दिखा देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां पे हम लिखते हैं एस नहीं देते, यहां देते हैं एन कॉमा ये पूजा डॉक्यूमेंट स्टेटस इज, और यहां पे कॉमा हम देते हैं एस। ठीक है, अब करते हैं रन। रन करने में मैंने नाम दिया यहां पे कि देव, देव पूरा नाम देते हैं कुमार सिंह, एंटर प्रेस किए। क्या पैन सबमिट किया है? जी नहीं, पैन है नहीं तो पैन सबमिट नहीं किया है। क्या उसने यूआईडी सबमिट किया है? हाँ यूआईडी सबमिट किया है। डीएल? नहीं डीएल नहीं उसके पास। तो एक डॉक्यूमेंट सिर्फ सेव किया है, सेंड किया है, एंटर प्रेस करते देव कुमार सिंह डॉक्यूमेंट स्टेटस ओके, क्योंकि इसने एक जमा कर दिया है, क्योंकि यहां और लगाया तो इसने इसको एक भी कंडीशन मिला तो रिजल्ट ओके कर दी। ठीक है, तो आप अब इसकी कीजिए प्रैक्टिस, अगली क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे नेस्टेड इफ, और कुछ जब बनाते हैं तो ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले कि आप क्या बना रहे हैं, मुझे भी पता चले कि आपकी प्रैक्टिस क्या हो रही है। जब कोई कोड लिखते हैं तो कोड को स्क्रीन शॉट लेके मुझे एक बार ग्रुप में डाल दिया। थैंक यू।